फाइनल में पहुंचने के बाद जो है बाहर हो गई वो। नरेंद्र मोदी जी को इस विषय में जो है चर्चा करनी चाहिए ओलंपिक संघ से। इसमें कहीं ना कहीं स्टाफ की गलती हम मानेंगे। कुश्ती जो है हार गई, राजनीति जीत गई। ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर तमाम जो लखनऊ के खिलाड़ी हैं, जो तमाम लखनऊ के कुश्ती का जो संघ है उसके जो पदाधिकारी हैं वो क्या सोचते हैं, खिलाड़ी क्या सोचते हैं, इसको लेकर आज हम अखाड़े पे पहुँचे हैं। लखनऊ का ये मशहूर और काफ़ी पुराना अखाड़ा माना जाता है। हमारे साथ इसके जो जिम्मेदार हैं वो मौजूद हैं, विवेक जी। विवेक जी, एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा शोक का दिन या बड़ा जो है देश के लिए धक्के की बात है। कुश्ती हमारी जो है विनेश फोगाट जो है फाइनल में पहुंच गई थी, और फाइनल में पहुंचने के बाद एक पहलवान के लिए जो है बहुत जो है दुर्भाग्य का विषय। फाइनल में पहुंचने के बाद जो है बाहर हो गई वो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस विषय में जो है चर्चा करनी चाहिए ओलंपिक संघ से। उन्होंने जो है कुछ जिक्र नहीं किया इसका। कुश्ती जो है हार गई, राजनीति जीत गई। राजनीति जीत गई, सियासत जीत गई। नहीं तो लेकिन उनका ओवरवेट का जो मामला आया उसके बाद कहीं ना कहीं ये तो जो ओलंपिक के जिम्मेदार हैं, जो मैनेजमेंट है, उसने आपत्ति उठाई इस मामले। केनिया का जो है खिलाड़ी, उसके लिए जो है आपत्ति उठी थी, तो केनिया के खिलाड़ियों ने जो है इसका धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जो है उस जो है खिलाड़ी को न्याय मिला। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय में चर्चा करनी चाहिए थी और वो चुपचाप होकर बैठ गए। इसलिए जो है मैं कहता हूँ कुश्ती हार गई, सियासत जीत गई। आप लोग शुरुआत से ही ये पूरा जब से ओलंपिक शुरू हुआ है और जब से जो कुश्ती के जो चैंपियनशिप शुरू हुई थी वो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग तमाम लोग उसको फॉलो भी कर रहे होंगे, लग रहा था कुछ ऐसी उम्मीद होगी। रात में जो है 12:30 बजे सेमीफाइनल का मैच हो रहा था, 12 बजे हम लोग टीवी के आगे बैठे कि जो है विनेश फोगाट जो है फाइनल लड़ेंगी, और उसके बाद जो है चर्चा हुई कि जो है सुबह कि अगले दिन जो है कुश्ती जो है 10 बजे होगी, और जो है टीवी पे चलने लगा आपके माध्यम से कि जो है 100 ग्राम वजन वेट ज़्यादा होने से वो बाहर हो गई। तो कुश्ती के लिए दुर्भाग्य का विषय है। उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। तबीयत नहीं बिगड़ी आई खिलाड़ी की, इतना बड़ा सदमा लग जाएगा तो हम हो चाहे आप हो सबको सदमा लग जाएगा। गोल्ड मेडल देश के लिए आने वाला था। एक खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, उसके बाद इस जगह पर पहुंचता है, उसके बाद इस तरीके की चीज़ हो जाती है। तो आप लोग जो लोग लंबे समय से खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतती है? कुश्ती के ऊपर जो है पहलवानों का बहुत बुरा असर पड़ेगा। खिलाड़ी जो है दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद स्टेट जीतता है, स्टेट जीतने के बाद फिर वो नेशनल जीतता है, नेशनल जीतने के बाद फिर वो आगे ओलंपिक की तैयारी करता है। पूरा सपना पहलवानों को टूट गया। आपने उनके रिटायरमेंट की बात भी सुनी होगी, मैं वो ट्वीट पढ़ के बताता हूँ जो उन्होंने कहा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई है, मैं हार गई, सियासत से हार गई, माफ़ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी, माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगी कि इतना जो है उसने कड़ी मेहनत की, 3 ओलंपिक उसने लड़ा विनेश फोगाट ने, पिछले ओलंपिक में रियो ओलंपिक में उसकी जो है चोट लग गई थी, उसने फिर तैयारी किया, तैयारी करने के बाद वो फाइनल पहुंची, उसके बाद सियासत से हार गई वो। सियासत से हार गई। ये हम देख रहे हैं आपके तमाम खिलाड़ी जो तैयार हो रहे हैं आने वाली जो तमाम चैंपियनशिप होती है, चाहे स्टेट लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, उनके लिए तैयार कर रहे हैं। आप लोग देख रहे थे जब ये हो रहा था, इसको फॉलो कर रहे थे आप लोग? आप आगे आइए, आप हम देख रहे हैं कितने टाइम से कुश्ती सीख रहे हैं? 7 साल से सीख रहे हैं। तो कहाँ तक जाना चाहते हैं? मैं तो जूनियर स्टेट खेल के अपना और उसमें गोल्ड ला के उसके बाद सीनियर स्टेट खेलूँगा, उसमें भी गोल्ड सोचता हूँ कि अच्छी मेहनत करके, अच्छी लगन से मेहनत करके उसमें नेशनल भी गोल्ड मेरा लगे। नेशनल जाने की बात कह रहे हैं, आप भी पहलवान हैं? जी, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक खिलाड़ी का ये सपना होता है कि सबसे बड़ा ओलंपिक, वहाँ जाके अपने देश का नाम रोशन करे। विनेश फोगाट वहाँ पहुँच भी गई थी, लेकिन कारणवश कुछ कारण ऐसे हुए कि ओवरवेट की बात उनकी सामने आई, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, पूरी उन्होंने इंडस्ट्री से संन्यास तक की ले लिया है। कैसा धक्का लगा है आप लोग? जी धक्का तो बहुत लगा है, जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था जिसका काफ़ी भारतीयों का इंतजार था। लेकिन ऐन वक्त पे ऐसा हुआ जो इस दुख का कुछ
बता नहीं सकते हैं। फोगाट सिस्टर तो इसमें रेसलिंग में बड़ा एक देश का नाम, चाहे बबीता की बात करी जाए, अब विनेश थी वहाँ पर, वो लग रहा था कि गोल्ड मेडल लेके आएंगी, फाइनल्स में पहुँच गई थी, उम्मीद थी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, उम्मीद ऐसी नहीं थी, लेकिन बहुत उम्मीदों पर पानी फिर गया, अब क्या बताएँ। इतनी उम्मीद थी इनसे, उन्होंने जब वर्ल्ड की नंबर एक यूएस उसाकी जो जापान की है उनको पहले हराया, जब ये हो गया कि गोल्ड पक्का है। हाँ। लेकिन अब अगले दिन हाँ। वेट उनका नहीं आता है। हाँ। पूरा मैच फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे विनेश फोगाट को आप लोग ओलंपिक में? जी जी, मैं तो सभी खिलाड़ियों को जाता हूँ, वर्ल्ड के सभी जो इतने भी रेसलर थे सभी, अभी जॉर्डन बोरो है अमेरिका। विनेश फोगाट का जो मैच हो रहा था जिस वक्त, वो देख रहे थे आप लोग? जी जी बिल्कुल। हाँ। अभी जॉर्डन बोरो का कमेंट आया है उस पर कि उसको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, जो अमेरिका का बढ़िया रेसलर है, 3-4 बार का ओलंपिक मेडलिस्ट है। अच्छा। उसने इनके सपोर्ट में ट्वीट भी किया है। लेकिन जो IOU और IOC उनका रूल है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो मेडल नहीं मिलेगा, इसलिए काफ़ी उम्मीदों पर पानी फिरा है इंडिया के। एज अ खिलाड़ी क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए कि जो मोराल होता है वो खिलाड़ियों का डाउन ना हो? जी अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अब उनका जो स्टाफ था पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, इसमें कहीं ना कहीं स्टाफ की गलती हम मानेंगे, क्योंकि पूरा स्टाफ उनका उसी लिए लगा ही है। तो जिस जो बात ये कह रहे हैं आप सहमत हैं? सहमत है, खिलाड़ी इंटरनेशनल पहलवान है, इसको सारी जानकारी कुश्ती की है। कह रहे हैं कि जो है जो जिम्मेदार थे उनको कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, पूरा जो है इंडिया का संघ गया था WFI, उनको पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हमारा खिलाड़ी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वेट कितना है खिलाड़ी का, कुश्ती लड़ने से पहले कितना वेट है, ये जिम्मेदारी WFI की भी होनी चाहिए ना। आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि सियासत जीत गई, कुश्ती हार गई सियासत जीत गई, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये जो है हमारे जो है सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहले कमेंट कर दिया था कि ये धरनाधारी है, एक खिलाड़ी इतना ऊंचा खिलाड़ी उसने जो है फाइनल में जगह बनाई और उसके बाद उन्होंने जो है बता दिया कि धरनाधारी है, आपने देखा ही होगा TV के माध्यम से। आप लोग काला दिन भी मान रहे हैं? काला दिन मना रहे हैं हम लोग जो है कुश्ती के लिए, रुआसे भी हैं हम देख रहे हैं, तमाम खिलाड़ी हमारे जो है पहलवान बेचारे उदास हैं, इनका आगे भविष्य क्या होगा, फाइनल में पहुँचने के बाद ये जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कुश्ती को जो है। संन्यास के बाद अब इन लोगों को क्या कहना है? संन्यास के बाद जो महिला पहलवान हमारे बेचारी प्रैक्टिस कर रही है उनका क्या हाल होगा? वो घर चली गई है आप बता रहे थे? हाँ घर चली गई जो है, इतना टूट गई, इतना एक खिलाड़ी का जो है सपना होता है कि जो है हमें ओलंपिक में मेडल लाना है। हाँ। मेडल लाते लाते बेचारी वो चूक गई, कितनी मेहनत करी, उम्र भी होती ना कुश्ती की इसमें। जो महिला खिलाड़ी आपके यहाँ की हैं जो घर चली गई हैं, टूट गई हैं अंदर से, रुआसी हैं आप बता रहे हैं, तो वो कितने टाइम से वो प्रैक्टिस आप क्या कर रहे हैं? वो हमारे पास जो है साल भर से प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ। तो यहाँ महिला पहलवानों का जो है पहलवान है नहीं मेरे पास। अच्छा। तो वो जो है चली गई थी सोनीपत हरियाणा में। अच्छा। युद्धवीर अखाड़े में प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा। अब वो बेचारी उदास होकर वहाँ चली आई घर वापस कि हमें पहलवानी नहीं करनी, अब पहलवानी नहीं करनी। हाँ तो जब इतनी बड़े रेसलर का जो है विनेश फोगाट का ये हाल है तो हम लोग का क्या हाल होगा। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप विवेक जी को सुन रहे थे, साफ तौर से लंबे समय से तमाम खिलाड़ियों को तैयार करते चले आ रहे हैं, लेकिन एक काला दिन मान रहे हैं, एक बेहद गमगीन दिन मान रहे हैं कुश्ती के इतिहास में, क्योंकि जिस तरीके से ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ चीज़ें हुई तमाम, उसके बाद इन लोग का जो खिलाड़ी हैं उनका जो मोराल डाउन हुआ है, उसके बाद उनके संन्यास के ऐलान के बाद इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी जो महिला खिलाड़ी है वो घर बैठ गई है, यानी घर चली गई है, बहुत बड़ा धक्का उसके भी मनोबल पर लगा है। ऐसे में इनकी मांग है कि सरकार को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे जो तमाम और खिलाड़ी हैं उनकी जो मनोबल है वो ना गिरे। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।